भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल की बरसी पर आज मीसाबंदियों का सम्मान किया। मीसाबंदियों ने कहा, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विधायक भगवान दास सबनानी ने उन मीसाबंदियों को सम्मानित किया जिन्हें आपातकाल के दौरान जेल में बंद किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस जो संविधान की किताब लेकर घूम रही है, उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या की है। का सम्मान, और मैंने उधर ध्यान आकर्षित कराया कि जिन्होंने संविधान की हत्या की इमरजेंसी लगा के आज ही के दिन मीसा लगा के, वो लोग कल संविधान की किताबें लिए संसद के बाहर नारे लगाते दिखे। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी, उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को कि इमरजेंसी मत लगाओ, निर्दोष लोगों को जेल में मत डालो। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया वो निंदनीय कृत्य थे, लेकिन वही संविधान की किताब हाथ में लिए, संविधान की पुस्तक का, बाबा साहब की पुस्तक का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इतनी सम्मानित चीज, देश के संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे हो। अरे कैसे कांग्रेस के लोग, मैंने इस विषय पर भी रखा। वहीं विधायक भगवान दास सबनानी ने बताया कि 26 जून को मुख्यमंत्री निवास पर आपातकाल की पीड़ा सहने वाले सभी मीसाबंदियों और उनके परिवारजनों का सम्मान किया जाएगा। सारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं, जिनको आप मीसाबंदी कहते हैं, हमने उनका नाम लोकतंत्र सेनानी कहा है क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे सारे जो मध्य प्रदेश के हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, वो सारे एकत्रित होंगे। और लोकतंत्र सेनानी संघ ने एक कार्यक्रम कल 26 तारीख को 12 बजे सीएम हाउस में रखा है, वहाँ सारे लोग एकत्रित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी उन सबका अभिनंदन करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।